नमस्कार दोस्तों, सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल वाले आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म टीम वेलकम्स यू इन दिस करंट अफेयर शो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन फॉर मोर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़। टुडे इज़ 1 अक्टूबर 2018 एंड वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स इन दिस करंट अफेयर शो। आज है 1 अक्टूबर 2018 और 1 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के प्रश्न हम इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी में एक एक कर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, देर वॉज नो इम्पोर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू दिस डे इन द हिस्ट्री, सो आई हैव ब्रॉट अ ब्यूटिफुल थॉट फ्रॉम चार्ल्स एफ कैटरिंग एंड द थॉट इज यू कांट हैव अ बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। अर्थात यदि अभी भी आप बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं तो आपका आने वाला कल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। नाउ विद दिस ब्यूटीफुल थॉट लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर्स क्विज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज रेज्ड लेंडिंग रेट बाय अप टू 0.2% एंड द बैंक इज पंजाब नेशनल बैंक। द एमडी एंड सीईओ ऑफ दिस बैंक इज सुनील मेहता। दिस बैंक वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1894 बाय 2%। वन इज लाला लाजपत राय एंड सेकेंड वन इज दयाल सिंह मजीठिया। नाउ सेम क्वेश्चन इन हिंदी। किस बैंक ने अपना उधार दर 0.2% बढ़ा दिया है और ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं सुनील मेहता। इस बैंक की स्थापना सन 1894 में दो व्यक्तियों द्वारा की गई और इन व्यक्तियों के नाम हैं, एक हैं लाला लाजपत राय और दूसरे हैं दयाल सिंह मजीठिया। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। हु हैज़ इनोग्रेटेड अमूल अल्ट्रा मॉडर्न चॉकलेट प्लांट इन गुजरात एंड इट हैज़ बीन इनोग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर दैट इज श्री नरेंद्र मोदी। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ गुजरात इन द मैप ऑफ इंडिया विच इज़ हाईलाइटेड विद द डार्क ग्रीन रेड कलर। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट गुजरात। कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। सी एम इज़ विजय रूपानी एंड द गवर्नर इज ओम प्रकाश कोहली। नाउ लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन हिंदी। अमूल अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है और ये किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आइए अब देखते हैं गुजरात का मानचित्र, भारत के मानचित्र पर जो कि लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। व्हाट वाज लेजेंडरी ऑटिस रश प्रोफेशन हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 84 एंड हिज प्रोफेशन वाज ही वाज फेमस गिटारिस्ट बाय प्रोफेशन। ही वाज अवार्डेड ग्रैमी अवार्ड इन द ईयर 1999 फॉर हिज सॉन्ग एनी प्लेस आई एम गोइंग। नाउ इन हिंदी, प्रसिद्ध ओटिस रस जिनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका व्यवसाय क्या था और ये इनका व्यवसाय था, ये प्रसिद्ध गिटार वादक थे। इन्हें सन 1999 में ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ्स ऑफ BSF एंड SSB। द न्यू चीफ्स आर BSF डायरेक्टर जनरल इज रजनीकांत मिश्रा एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB इज SS देशवाल। नाउ इन हिंदी, BSF और SSB के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है और ये हैं BSF के महानिदेशक बनाए गए हैं रजनीकांत मिश्रा और SSB के महानिदेशक बनाए गए हैं SS देशवाल। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव। विच स्टेट हैज़ अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउ मिनिस्ट्री एंड द स्टेट विच हैज़ अनाउंस दिस इज मध्य प्रदेश। दिस मिनिस्ट्री विल रिप्लेस द मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मध्य प्रदेश। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शो यू द मैप ऑफ मध्य प्रदेश ऑन द मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया विद रेस्पेक्ट टू एरिया। नाउ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। CM इज शिवराज सिंह चौहान एंड द गवर्नर इज आनंदी बेन पटेल। नाउ लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन हिंदी।
किस राज्य ने गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा की है? और ये राज्य है मध्य प्रदेश। यह मंत्रालय मध्य प्रदेश के गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की जगह लेगा। अब राजस्थान, अब मध्य प्रदेश का नक्शा देखिए आप, भारत के मानचित्र पर जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड फॉर अ पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? एंड इट हैज साइंड विद फ्रांस। इट हैज़ बीन साइंड आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ 10 ईयर्स। विद दिस अ 9,900 मेगावाट पावर प्लांट विल बी सेटअप विद 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ 1,650 मेगावाट ईच। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ फ्रांस ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड, एंड दिस इज द मैप ऑफ फ्रांस विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद डार्क ग्रीन कलर। कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पैरिस। करेंसी इज, देर आर टू करेंसीज, वन इज यूरो एंड द अदर वन इज फ्रैंक। एंड द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस इज एमेनुअल मैक्रोन। नाउ लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन हिंदी। किस देश के साथ भारत ने शांतिपूर्वक परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये देश है फ्रांस। आप देख सकते हैं फ्रांस का नक्शा विश्व के मानचित्र पर, जो कि गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की मुद्रा है, दो मुद्राएं हैं, एक है यूरो और दूसरी है फ्रैंक। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द फर्स्ट यूजर ऑफ एनी ईमेल सर्विस लॉन्च्ड एट रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन, दैट इज RFRF इन विज्ञान भवन। एंड द फर्स्ट यूजर ऑफ दिस ईमेल इज यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स टोटल भारतीय इंटरनेट, नॉट ओनली विद ईमेल बट विद सर्च इंजन ऑफ आवर ओन कंट्री। नाउ इन हिंदी, RFRF द्वारा विज्ञान भवन में लॉन्च की गई पहली ईमेल सर्विस के सबसे पहले यूजर कौन बने हैं? और ये बने हैं हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। यह एक कदम है जिसके जरिए पूर्ण रूप से भारतीय इंटरनेट के साथ साथ भारतीय सर्च इंजन भी बनाया जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, खेल की दुनिया से कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ ग्रैब्ड द एशियन जूनियर स्क्वैश टाइटल? एंड इट हैज़ बीन ग्रैब्ड बाय युवराज वधवानी। दिस चैम्पियनशिप वॉज कंडक्टेड इन चेन्नई सिटी ऑफ तमिलनाडु। किस भारतीय ने एशियन जूनियर स्क्वैश का टाइटल अपने नाम किया है? और ये हैं युवराज वधवानी। ये स्क्वैश चैम्पियनशिप तमिलनाडु के चेन्नई शहर में आयोजित की गई। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, विच मेडल हैज़ बीन वोन बाय पंकज अडवाणी इन एशियन 10 रॉयल स्नूकर चैम्पियनशिप? एंड द मेडल वोन इज ब्रॉन्ज। नाउ इन हिंदी, पंकज अडवाणी ने एशियन 10 रेड चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है? और इन्होंने जीता है कांस्य पदक। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ वोन द रशियन ग्रांड प्री? एंड इट हैज़ बीन वोन बाय लेविस हैमिल्टन ऑफ मर्सिडीज। रशियन ग्रांड प्री किसने जीती है? और ये जीती गई है लेविस हैमिल्टन के द्वारा, जो मर्सिडीज के हैं। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर करंट अफेयर्स क्विज। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।